दोस्तों, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने नामधापा फ्लाइंग स्क्वायरल को फिर से देखा गया है। इस गिलहरी को पिछले 42 वर्षों से नहीं देखा गया था। यह रात्रि में उड़ने वाली गिलहरी है जो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। यह दुनिया में उड़ने वाली गिलहरियों की ज्ञात प्रजातियों में से एक है। नामधापा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में इसकी खोज के कारण इसका नाम नामधापा फ्लाइंग स्क्वायरल रखा गया है। यह IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्त प्राय और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूचित 2 में शामिल है। यदि हम नामधापा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो उद्यान और टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। यह रिजर्व का नाम नामधापा नदी के नाम पर रखा गया है जो दाफाबम से निकलकर नोआ देहिंग नदी में मिल जाती है। यह क्षेत्र पूर्वी हिमालय के जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ सदाबहार वन, नम पर्णपाती वन, उपोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण वन और अल्पाइन वन आदि पाए जाते हैं।